यीशु ईश्वर है, इसलिए उनका प्रेम और प्यास आनंद है। आज हमारे मनन चिंतन के लिए हम जो बाइबल से वचन ले रहे हैं, ये संत मदर तेरेसा के एक चिट्ठी पर आधारित है। क्या आप कभी कोई चैरिटी कॉन्वेंट यानी मदर तेरेसा कॉन्वेंट गए हैं? गए होंगे तो वहां के चैपल में एक वाक्य लिखा रहता है अंग्रेजी में, आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूँ। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, मैं प्यासा हूँ। क्रूस पर मरते हुए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। ये वाक्य संत मदर तेरेसा अपनी प्रार्थना के समय विशेष रूप से सुनी थी और इस पर आधारित वो एक चिट्ठी लिखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जरूर चिट्ठी अंग्रेजी में है। आप यदि नहीं समझ पाते हैं तो आप उसको ले जाके गूगल में ट्रांसलेट करके पढ़ के देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा एक पत्र है। मैं पूरा आज का ये मनन चिंतन उस पर आधारित नहीं ले रहा हूँ, फिर भी एक तो बातें उसमें से लेंगे ही, लेकिन उसके पहले एक प्रश्न आपके लिए और मेरे लिए जरूर, क्या आप यीशु के लिए, ईश्वर के लिए प्यासे हैं? क्या आप यीशु को ढूंढते हैं? क्या आपके मन में यीशु के लिए प्यार है, चाहत है? वो कितना गहरा है? ईश्वर हमें आदेश दिए, सब व्यक्ति सब चीजों से बढ़कर ईश्वर से प्यार करना है। पहला प्यार ईश्वर के लिए होना है। यहां तक हमारे माता पिता, हमारा जीवन, हमारे सब कुछ के ऊपर ईश्वर के लिए प्रेम। क्या ईश्वर सबसे बढ़कर, सब चीजों से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं या नहीं? यदि हम हमारे जीवन पर पलट कर देखें तो हमें लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, परेशानी है, समस्या है। हम अपने आप से या ईश्वर के पास भी जाकर कहते हैं, ईश्वर मेरे जीवन का क्या हुआ, ये क्या है, मुझे नहीं लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अधिकांश लोगों से जब हम मिलते हैं, लोग कहते हैं, फादर मैं जीवन से थक गया हूं, मुझे जीवन में कोई अर्थ ही नहीं मिलता, मुझे पता नहीं मैं क्यों जी रहा हूं। सवेरे उठते हैं, क्यों उठते हैं पता नहीं, जी रहे हैं और सोने जाते हैं और जिंदगी वैसे ही एक मशीन के समान चल रही है, क्यों पता नहीं। जन्म ले लिए इसलिए जीना है। आज यीशु हमसे कहते हैं, मैं प्यासा हूं। यीशु के ये वाक्य पानी के लिए प्यास का नहीं था, यह हमारे प्रेम के लिए था। यह कैसे हम इतने दृढ़ता के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले एक घटना हुई। संत योहन रचित सुसमाचार में ही हम उस घटना को देखते हैं। वो है एक समारी स्त्री से यीशु अकेले मिलते हैं, याकूब के उस कुएं के पास यीशु दोपहर के समय इंतजार करते हैं और उस समय एक समारी स्त्री महिला आती है और यीशु उससे पानी मांगते हैं, स्त्री मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला। और वहां उन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, दोनों बातचीत करते हैं। उसके अंत में यीशु का प्यास बुझ जाता है, क्योंकि यीशु उसके प्रेम को पा लेते हैं, यीशु उसको बचा लेते हैं, यीशु उसको अपना लेते हैं। मतलब वो महिला अपने हृदय में, अपने जीवन में यीशु को जगह देती है और वहां जो बर्तन लेके आई रहती है उसको वहीं छोड़कर लोगों के पास दौड़कर जाती है और कहती है, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गए हैं, हमें मुक्तिदाता मिल गए हैं, मैं जो कुछ की हूं वो सब बताने वाला एक व्यक्ति मैंने देखी है, देखो आओ। उसका जीवन बदल गया, वो पूरा सारा शहर को अपने साथ लेकर आई यीशु के पास। यीशु वहां पानी पीते हुए हम नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके प्यास जो था उस महिला के लिए था, उसको बचाने के लिए था, उसको अपनाने के लिए था। आज वही यीशु हमारे पास भी आए हैं, आज केवल नहीं, हमारे जन्म से लेकर आज तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं एक प्रकार से। संत मदर तेरेसा उस यीशु की आवाज एक बार प्रार्थना में विशेष रूप से सुनी,
मैं प्यासा हूं। इसलिए उस पर ज्यादा मनन चिंतन में और उसके द्वारा जब वो प्रार्थना की, उसमें जो बातें उसको बताई गई उसको वो एक चिट्ठी के रूप में लिखी है, उसी के बारे में मैं शुरू में बताया। और यीशु हमसे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्यासा हूं। और वो यीशु कहां है? प्रकाश नगरंध में यीशु हमसे कहते हैं मैं द्वार पर खड़े होकर कटकटाता हूं, मैं द्वार पर खड़े होकर कटकटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके यहां भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। वह आज भी यीशु आपके और मेरे हृदय के बाहर खड़े होकर कटकटा रहे हैं, वे चिल्ला रहे हैं मैं प्यासा हूं। जैसे क्रूस पर मरते वक्त प्रभु ने चिल्लाया मैं प्यासा हूं, यीशु आज भी चिल्ला रहे हैं, द्वार में खड़े होकर कटकटाते हुए चिल्ला रहे हैं मैं प्यासा हूं, मेरे प्यास बुझाओ। क्या आपके और मेरे मन में या हम में यीशु के लिए कोई चाहत है, कोई इच्छा है, कोई प्यास है? हमारे जीवन में है जरूर, लेकिन अधिकांश हम क्या कर दिए हैं, हम उस जगह को, उस प्यास को हम कभी पहचान नहीं पाए और उस जगह पर हम इस दुनिया के सभी चीजों को लेके भर दिए और फिर भी हम देखते हैं वो कभी बुझता नहीं है। जैसे गर्मी में आप अनुभव जरूर किए होंगे, आप पानी पिए जाते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका प्यास बुझ ही नहीं रहा है। जरूर हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ भी हुआ है। और कोई अलग प्रकार के पानी पीने से, माने जो पानी के स्वाद से, हमें कुछ कुछ पानी से हमारा प्यास कभी बुझता ही नहीं। मैं बहुत सारे लोगों का इसे देखा भी हूं, लोग बोलते हैं फादर इस पानी को पीने से प्यास बुझता नहीं है, मुझे घर जाकर पानी पीना पड़ेगा। आपके साथ भी जरूर हुआ होगा ये। उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर स्तंभ में, वहां उस गहराई में ईश्वर हमारे हृदय में अपने लिए एक स्थान वहां रख दिए हैं, वो उनके लिए है। और वहां हम इस दुनिया के लोगों को, दुनियाई चीजों को, हमारे लक्ष्य को हम वहां रखे हैं, फिर भी हम देखते हैं वो कभी भरता नहीं। आज यीशु अपना स्थान वापस पाना चाहते हैं। स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में मानव रूप में आए यीशु आज भी आपके और मेरे द्वार के बाहर खड़े होकर कटकटाते हुए कहते हैं मैं प्यासा हूं, क्या तुम मेरा प्यास बुझाओगे? यीशु कहते हैं तुम एक नया व्यक्ति बनकर, एक अच्छा व्यक्ति बनकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे सभी पापों से, तुम्हारे सभी घावों के साथ तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे प्रेम को अनुभव करने के कारण तुम में परिवर्तन आ जाएगा, तुम बदल जाएगा। तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है और वो संभव भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, तुम हार जाओगे। बल्कि तुम जैसे भी हो, जितने भी गंदा क्यों ना हो, आओ मेरे पास। जितने भी परेशानी में क्यों ना हो, जितने भी पाप में डूबे क्यों ना हो, मेरे पास आओ। क्या आज आप यीशु के पास जाने, उनके लिए द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? आज ये जो नया जीवन, नया दिन आप और मैं प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे जीवन का भी एक नई शुरुआत हो। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आप अपने दिल की गहराई में जाइए, अपने व्यक्ति के अंदर चले जाइए जहां यीशु हमारे लिए इंतजार है, हमारे उस द्वार को कटकटा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपका कितना उम्र हुआ है? आपके मां के गर्भ में आने के उस क्षण से लेकर अब तक यीशु आपके लिए इंतजार है, वही यीशु वहां खड़े होकर कटकटा रहे हैं। क्या उस यीशु को हम अंदर आने देंगे? क्या आप उन्हें अंदर आने देंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आवाज है, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज, हम जो बनाए हैं वो है, बहुत सारी आवाज है जिसमें यीशु के वो कटकटाने की वो जो आवाज है हमें सुनाई नहीं देती है। तो आइए हम यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु हमें मदद करें,
हमारे हृदय में अंदर आने का निर्णय वे स्वयं लेकर, वे स्वयं अंदर आ जाए, आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए। आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप एक निरय मनुष्य के रूप में, जैसे हम हैं, जैसे मैं हूं, वैसे ही आपने हमारा शरीर धारण कर, मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आकर हमारे बीच में रहे और आज भी हमारे बीच में हैं। और जैसे आपने उस समारी स्त्री के पास जाकर पानी मांगा, वैसे ही आप क्रूस पर मरते समय भी चिल्लाए, मैं प्यासा हूं। आप हमें भी उस हमारी स्त्री के समान अपनाना चाहते हैं, आपके प्रेम का अनुभव हमें कराना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपको अपनाते हुए हमारा जीवन आपके साथ, आपके लिए जिए। प्यारे यीशु, उन सभी क्षणों के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं जब हम आपकी आवाज नहीं सुने और कभी कभी आपको हमारे जीवन में आने दिए लेकिन हमारे मतलब के लिए, और आपको दरकिनार कर दिए और हमारे जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिए और इसके कारण आपको बहुत दुख दिए हैं। हमें क्षमा कर। आज विशेष रूप से हम आपसे अनुनय विनय करते हैं, यह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो, हमारे जीवन के लिए एक नई दिशा आज का यह वचन हमें दे, ताकि हम हमेशा आपके प्रेम को अनुभव करते हुए, आपके इस असीम प्रेम में अपने आप को समर्पित करते हुए, जैसे आप अपने पिता के लिए अपना जीवन जिए, वैसे हम भी आपके साथ मिलकर पिता की महिमा के लिए आपको प्रेम करते हुए और दूसरों को भी प्रेम करते हुए जीने की कृपा हम सबों को मिले। प्यारे यीशु, आज विशेष रूप से आपके इस वचन सुनने वाले आपके इन भाई बहनों को आपके हाथों में मैं विशेष रूप से अर्पित करता हूँ। हम सबों को आशीषित करिए, इन्हें आशीषित करिए, इनके प्रियजनों को विशेष आशीर्वाद से भर दीजिए, इनके जीवन के दुख, समस्या, परेशानियों को इनके जीवन से दूर करिए, जो जो बीमार हैं इन सभी को चंगाई प्रदान करिए, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक चंगाई प्रदान करिए। ये सभी आपके प्रेम को अनुभव करते हुए, जैसे संत मदर तेरेसा अपना जीवन आपको प्रेम करते हुए और आपको गरीब, लाचार, परेशान लोगों में देखकर, पहचान कर उनको भी प्यार कर पाई, वैसे हम भी करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।